नमस्कार, मैं रजनी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज गोंडा। तो आइए चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। खबर का दिखा असर, हनवारा क्षेत्र से लगातार हो रहे अवैध बालू उठाव पर एक्सप्रेस न्यूज तत्परता से खबर दिखाती रही है। आज खबर का असर देखने को मिला है। अब प्रशासन ने हनवारा क्षेत्र के बालू माफियाओं के खिलाफ ठोस कदम उठाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो बीती रात शाही कित्ता घाट से अवैध बालू लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर BR10GA5514 को पुलिस ने मौके से जब्त किया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर पुलिस को देख गाड़ी छोड़ मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों के द्वारा किए जा रहे लगातार विरोध और मीडिया द्वारा चलाई जा रही खबर के दबाव में अब प्रशासन सख्ती में आ गई है। बालू माफियाओं में हड़कंप है। जाबिमो के जिला सोशल मीडिया प्रभारी बने आसिफ इकबाल। बसंतराय के कदमा के रहने वाले आसिफ शुरुआत से ही जेबीएम के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। आसिफ को जिले का सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। आज पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर स्थानीय अशोक स्तंभ पर भूख हड़ताल प्रारंभ कर दिया है, जो कि निर्धारित 28 दिसंबर तक चलेगा। पारा शिक्षक संघ ने बताया कि हमारी मांगें अगर सरकार नहीं पूरी करती है तो आंदोलन और उग्र होगा और हम आमरण अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे। हड़ताल है, कब तक चलेगा? ये भूख हड़ताल 24/12/2018 से लेकर 25/12/2018 तक चलेगा। झारखंड सरकार हमारी मांग जब तक पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग आंदोलन पर रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। भूख हड़ताल के बाद भी अगर सरकार सुनवाई नहीं करती आप लोगों को तो क्या कीजिएगा? इसके लिए हम लोग प्रदेश के आदेशानुसार जो आंदोलन का रूपरेखा तय होगा उस पर हम लोग करेंगे। जहाँ तक हो सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, नाकेबंदी करेंगे और तरह तरह का फिर आंदोलन के जन चौपाल पर वाद विवाद का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया जारी है। आज राजद के नेता जवाहरलाल यादव ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री जन चौपाल सिर्फ अपनी गुणगान करने के लिए लगाते हैं, जनता की समस्या सुनने और समाधान को नहीं, तो फिर ऐसी जन चौपाल का क्या फायदा है कि देश में ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो किसी को कोई उत्साह ही नहीं है इस मुख्यमंत्री को आने से। ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का निजी मुख्यमंत्री है। उन्होंने तो साफ साफ कहा कि ये जो हमें वोट दिए हैं उनके लिए, जो नहीं वोट दिए हैं उनके लिए भी ये जन चौपाल है। ऐसा ना समझें कि ये सिर्फ जो भाजपा को वोट दिए है उनके लिए ही ये जन चौपाल है। यही तो समझना है भारतीय जनता पार्टी का, कथनी और करनी में कितना डिफरेंसेस है। एक लोग उन्होंने अपने मुख्यमंत्री महोदय ने अपने से पूछा कि क्या 100% बाथरूम बन गया है? कुछ महिलाओं ने उठकर कहा, हाथ हिलाकर कहा कि नहीं बना है। फिर दोबारा उन्होंने कही कि नहीं बना है, तो अगर बैठ जाओ इसको ले जाओ, पुलिस को कहा कि इसको यहाँ से हटाइए। ऐसा कहीं मुख्यमंत्री हुआ है कि? ये तो शर्मनाक है। लोकतंत्र के हत्या है। लोग अपनी बात रखती है, लोग प्रजा जाकर के रखती है, जनता जाकर के अपनी बात रखती है, उसको दबाया जाता है। आज पराठी चर का क्या हुआ आप ये जानते हैं। मुख्यमंत्री किसी एक लोगों का है, अपनी फरियाद लेकर जाता है तो जेल में भर देता है, आप थाने में बंद कर देते हो। आखिर आप इस मुल्क को कहां ले जाना चाहते हो? यह आवाम जानना चाहती है ये रघुवर दास महोदय से कि आप इस मुल्क को कहां ले जाना चाहते हैं। कहीं कुछ नहीं है, सरेआम बालू का लूट हो रहा है। आप देख लीजिए किसी भी काम का, आज देख लीजिए जाकर के 40% घूस लिया जा रहा है, पीसी पकड़ी लिया जा रहा है। कौन बाथरूम है जहां बिना पानी का बाथरूम होता है? क्या मुख्यमंत्री महोदय को पूछा जाए कि क्या बिना पानी का बाथरूम आप जाते हो? क्या बाथरूम बना दिए? 90% बाथरूम गिर चुका है। आप कहां है, आपके लोग कहां है? उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के साफ साफ भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है और उन्हें तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ विपक्षी पार्टी के लोग हमेशा आरोप लगाते हैं लेकिन वो अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखती है कि भारतीय जनता पार्टी पे ना एक दाग लगा है ना भविष्य में लगेगा। कहाँ दाग नहीं लगा है, यही तो समझना है ना आपको कि समूचा दागदार ही है। जहाँ कपड़ा ही काला रहे उसमें दाग क्या लगेगा, उसका क्या दाग? वो तो पूरा दागदार है ही, इसलिए उसमें दाग लगने की कोई बात नहीं है। दाग तो जहाँ सफेद रहता है, जहाँ व्हाइट रहता है वहां दाग लगता है, वो तो ठीक ही कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी सब दिन उल्टा ही बोला है, उसको काम से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है, इस मुल्क से कोई मतलब नहीं है,
उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि अपनी बात कैसे रखें। आज 31वां जूनियर नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता के लिए 27 दिसंबर को गांधी मैदान में होगा सिलेक्शन ट्रायल। इसकी जानकारी सचिव गुंजन झा ने दी। कहा कि 27 दिसंबर को जिले के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुल 20 बालक और 20 बालिकाओं का चयन किया जाना है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज गोड्डा।